बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी बात करते हैं सेनेट के इजलास की, जहाँ 26वीं आइनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, सेनेट में 26वीं आइनी तरमीम बिल दो तहाई अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। पीटीआई ने, सुनी इत्तेहाद कौंसिल जो है उन्होंने, और MWM ने जो है ना इजलास की मुखालफत की, बल्कि बायकाट किया और वो इजलास से बाहर निकल गए। आइनी तरमीम के हवाले से जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनका क्या कहना, उन्होंने जो गुफ्तगू की उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि मुझे पहले ही यकीन था कि ये आइन टाइम के ऊपर आके लचक दिखा देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद की खातर मैंने वोट डाला है, आइन में तरमीम किया, लेकिन ये मुल्क के मफाद की खातर उनका जो है वोट नहीं होगा, बल्कि उनके साथ कोई वजारतों की या कुछ ओहदों के वादे किए गए होंगे और जिसकी वजह से उन्होंने ये वोट डाले होंगे, क्योंकि हमेशा ये ऐसा करते हैं। ये कहना था शेर अफजल मरवत साहब का। बिस्यानवी तरमीम के हक में 65 वोट पड़े और मुखालफत में 4 वोट पड़े। अब 65 वोट थे, 4 वोट उनकी मुखालफत में आए पीटीआई और बाकी जो सुनी इत्तेहाद कौंसल थे और जो बाकी इनके साथ इत्तेहादी थे उन्होंने वॉकआउट कर लिया था, वो बाहर चले गए थे, बायकॉट कर लिया था, उन्होंने कोई वोट शोट नहीं डाला। आइनी तरमीम के हक में हुकूमत के पास जो है ना 58 वोट थे, BNP मैंगल के 2 वोट उनको हासिल हुए। जो वोट कम थे वो BNP मैंगल की तरफ से 2 वोट उनको हासिल हुए। जो इनके सरबराह थे उनको उन्होंने सेनेट से बाहर निकाल दिया था, अब उनका वोट कास्ट नहीं किया गया, लेकिन ये 2 वोट उनको मिले। तो JUI के 5 वोट थे, ये मिला के टोटल 65 वोट बन गए थे। और इन 65 वोट की वजह से ही जो है ये जितने भी तरमीम थी, 22 शिकें मेरे ख्याल में उनमें तरमीम की गई थी, तो वो सारी की सारी जो है ना 65 वोटों के साथ मंजूर हुई कसरत राय, यानी कि जो 2/3 अक्सर चाहिए होती है उससे ये मंजूर हो चुकी हैं। अच्छा, अब होगा क्या, इसमें क्या बातें होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा? PTI के कुछ अरकान जो हैं उनका रबता नहीं हो रहा था, ये बैरिस्टर गौर जो हैं उन्होंने कहा था, उसके अलावा बातचीत जा रही थी कि उनके रबते जो है ना नहीं हो रहे थे। अच्छा, इसमें तरीके इंसाफ के जो सेनेटर बैरिस्टर अली जफर थे उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में हुकूमत की पेश करदा तरमीम की हमायत ना करने का ऐलान किया है, हमने उस तरमीम को मतलब उसकी हमायत नहीं की हमने, और अगर इसी बेस पे अगर कोई हमारा सेनेटर वोट डालता है तो उसको शुमार ना किया जाए। तो अब ये है कि PTI की तरफ से सारे वोट जो है जो देना चाहते भी थे तो उन्होंने नहीं दिए, बाकी 58 वोट उनके जो थे वो सारे सामने आ गए। 4 आज़ाद उम्मीदवारों के वोट थे और इस वोट की बुनियाद पर जो है ना ये मंजूर हुआ। ना ये है कि देखे जी, जरदारी ने सियासत की, लेकिन अभी जो बिलावल भुट्टो है वो आगे आएगा और उसी पे ज़्यादा जोर चल रहा है, या नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ, इनकी हुकूमत आएगी तो इन्होंने अदालती निज़ाम ऐसा कर दिया है कि ये सारे का सारा अदालती निज़ाम जो होगा वो सारे का सारा इनके हक में होगा। फ़र्ज़ करें कि ये चीटिंग करके हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत बना के ये अपने आप को हुकूमत में लेकर आते हैं, तो वहाँ ये केस चलता है जी कि वहाँ धांधली हुई है, वो जो हल्का है उसको खोलें, उसकी रिकाउंटिंग करें, अदालत में जाएंगे, अदालत इनकी अपनी होगी, कोई मसला ही नहीं होगा इनको। तो अब जितने का जितना भी फ़ायदा होगा जो हुकूमत में होगा उसको फ़ायदा होगा इस तरमीम के लिए, आम आवाम को ना पहले कभी फ़ायदा था ना आगे कभी फ़ायदा होने वाला है और ना अब कोई फ़ायदा है। इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।